देश की राजधानी दिल्ली के दरियागंज में एक स्कूल है सर्वोदय कन्या विद्यालय और इसी स्कूल की एक महिला टीचर थी उमा खुराना। उमा खुराना गणित पढ़ाती थी और उमा के पति एक बिजनेसमैन थे। दोनों अपने दो बच्चों के साथ आराम से दिल्ली के योजना विहार में रह रहे थे। इसके बाद आता है 30 अगस्त 2007 का दिन। उमा खुराना बाकी के दिनों की तरह ही स्कूल पढ़ाने के लिए पहुँचती हैं, लेकिन जैसे जैसे स्कूल की क्लासेज खत्म होने को होती हैं वैसे वैसे सर्वोदय कन्या के बाहर पेरेंट्स की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। ये भीड़ अपनी बेटियों को लेने के लिए नहीं आई थी बल्कि उमा खुराना को खदेड़ने के लिए आई थी। भीड़ डिमांड करने लगी कि उमा खुराना को हमारे हवाले कर दिया जाए। ये भीड़ इतनी बढ़ती जा रही थी कि आसपास की पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू हो जाती है कि पुलिस पर ही पत्थरबाजी कर देती है। पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। ये भीड़ उमा खुराना को नोच लेना चाहती थी और इसी बीच इत्तेफाक ये होता है कि उमा खुराना भीड़ के हाथ लग जाती है। भीड़ ने उमा खुराना को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, उनके कपड़े फाड़ डाले। ऐसा लग रहा था जैसे ये भीड़ उमा की जान लिए बिना नहीं मानेगी, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों और आसपास के लोगों ने साहस दिखाते हुए उमा को बचा लिया। उमा दम तोड़ने से बच गई, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये भीड़ उमा की जान लेने के लिए आमादा क्यों थी? उमा ने ऐसा क्या जुर्म कर दिया था कि भीड़ रुकना ही नहीं चाहती थी? दरअसल उसी दिन लाइव इंडिया नाम के एक न्यूज चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में उमा खुराना, एक स्कूली लड़की और एक ग्राहक को दिखाया गया और दावा किया गया कि उमा खुराना स्कूल की लड़कियों से जिस्म फरोशी का काम कराती हैं, यानी प्रोस्टिट्यूशन कराती हैं, और जो लड़कियां ऐसा नहीं करती उनकी वीडियो बना लेती हैं। स्टिंग में एक स्कूली लड़की कहती है कि मुझे मेरी टीचर उमा खुराना ने देह व्यापार में धकेला है। इस स्टिंग के टीवी पर आते ही लड़कियों के पेरेंट्स भड़क जाते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। इत्तेफाक से उस वक्त स्कूल में कक्षाएं चल रही थी और उमा खुराना अंदर स्कूल में पढ़ा रही थी, जिनकी लिंचिंग करने के लिए ये भीड़ स्कूल को घेर कर खड़ी थी। जिस लाइव इंडिया नाम के चैनल ने इस स्टिंग ऑपरेशन को दिखाया उसके CEO और संपादक थे सुधीर चौधरी। वही सुधीर चौधरी जो आजकल ब्लैक एंड व्हाइट नाम का शो करते हैं। क्या थी इस स्टिंग ऑपरेशन की सच्चाई और क्या था उमा खुराना का गुनाह और कैसे इस स्टिंग ऑपरेशन ने भारतीय पत्रकारिता पर हमेशा के लिए ब्लैक एंड व्हाइट धब्बे छोड़ दिए, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। उमा खुराना केस इस बात के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि टीवी या व्हाट्सएप पर आपको जो सब कुछ दिखाया जा रहा है जरूरी नहीं कि वो सच है। सुधीर चौधरी के लाइव इंडिया चैनल पर दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन के बाद भीड़ ने उमा खुराना को घेर कर पीटा और कपड़े फाड़ डाले। घायल उमा खुराना को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन जैसे ही उमा खुराना को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है उसे दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अगले दिन जब उमा खुराना को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने भी उमा खुराना को 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और सुधीर चौधरी के लाइव इंडिया चैनल को जमकर TRP मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने भी चैनल से ओरिजिनल CD मंगाई और एक जांच कमेटी बिठा दी। इस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हाँ, स्टिंग ऑपरेशन में उमा खुराना की ही आवाज़ है। खुद स्कूल की वाइस प्रिंसिपल ने इस आवाज़ को पहचाना कि स्टिंग ऑपरेशन में जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो उमा खुराना की ही है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग ने फौरन ही उमा खुराना को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, लेकिन इसी बीच पुलिस ने उस लड़की को खोज निकाला जो स्टिंग ऑपरेशन में ये कहते हुए दिख रही थी कि वो इसी स्कूल की छात्रा है और उमा खुराना ने उसे जबरन प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया था। लेकिन जब पुलिस ने इस लड़की से पूछताछ की तो पता चला कि वो इस स्कूल की छात्रा ही नहीं है और ना वो प्रोस्टिट्यूट थी। दरअसल जब पुलिस ने उमा खुराना से पूछताछ की थी तो उसने बताया था कि वो उस लड़की को जानती ही नहीं, बल्कि उसे वीरेंद्र अरोरा नाम के एक शख्स ने उसे मिलवाया था। इसके बाद पुलिस ने वीरेंद्र अरोरा को पकड़ लिया। वीरेंद्र अरोरा के माध्यम से ही पुलिस इस लड़की तक पहुंचती है। पुलिस ने लाइव इंडिया के रिपोर्टर प्रशांत सिंह को उस लड़की के सामने फेस टू फेस लाने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्टर ही गायब हो गया। अब पुलिस उस रिपोर्टर से कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकी। अब पुलिस समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। वीरेंद्र अरोरा दिल्ली के ही झिलमिल एरिया का रहने वाला था। पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए अरोरा को रिमांड पर ले लिया। फिर 10 सितंबर के दिन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर मधुप तिवारी ने कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट जारी करते हुए खुलासा किया कि वीरेंद्र अरोरा नाम के एक आदमी का उमा खुराना के साथ पैसे को लेकर झगड़ा चल रहा था। उमा खुराना से बदला लेने के लिए ही
वीरेंद्र अरोरा ने लाइव इंडिया के रिपोर्टर प्रकाश सिंह के साथ मिलकर ये साजिश रची। साजिश ये कि उमा खुराना को इस आरोप में फंसाया जाए कि वो स्कूल की लड़कियों से देह व्यापार का धंधा कराती हैं। प्रकाश सिंह एक और लड़की को जानता था, 20 साल की ये लड़की मीडिया में करियर बनाना चाहती थी और उसे किसी बड़ी जगह पर नौकरी नहीं मिल रही थी। लाइव इंडिया के रिपोर्टर प्रकाश सिंह ने इस लड़की को एक स्कूल की लड़की की तरह एक्टिंग करने के लिए कहा। अब रची गई एक साजिश कि एक जगह पर उमा खुराना को बुलाया जाए और उस लड़की को भी बुलाया जाए और उनकी वीडियो बना ली जाए, जैसे कि उमा खुराना किसी ग्राहक के लिए लड़की को लेकर आई हैं, डिलीवरी कराने आई हैं। इस प्लान के तहत उमा खुराना को बुलाया गया और लाइव इंडिया चैनल के रिपोर्टर ने इसे स्टिंग ऑपरेशन की तरह रिकॉर्ड कर लिया। दिल्ली पुलिस ने खुलासा कर दिया कि ये पूरा स्टिंग ही फेक था और साजिश के तहत रचा गया था। पुलिस ने खुलासा किया कि स्टिंग को अलग अलग हिस्सों में रिकॉर्ड किया गया था। उमा खुराना से किसी और काम के लिए पैसे की डील की जा रही थी और लड़की का हिस्सा दिखाकर उसे ऐसे प्रस्तुत किया गया कि वो एक ग्राहक से देह व्यापार की डील कर रही हैं। इस स्टिंग में लड़की का स्टेटमेंट भी एक रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें वो कह रही थी कि उसकी टीचर उमा खुराना उससे और उसकी स्कूल की अन्य लड़कियों से देह व्यापार कराती हैं। इसी कारण स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के पेरेंट्स भड़क गए जब इन्होंने इस स्टिंग को देखा और स्कूल को घेर लिया। पुलिस ने जांच रिपोर्ट में कहा कि उसे ऐसे कोई एविडेंस ही नहीं मिलते जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उमा खुराना देह व्यापार के रैकेट में लगी हुई थी। 11 सितंबर के दिन जज आलोक अग्रवाल ने यह कहते हुए उमा खुराना को जमानत दे दी कि अब तक हुई जाँच से ये पता चलता है कि उमा खुराना खुद इस फेक स्टिंग ऑपरेशन की विक्टिम है। अब बारी थी उस चैनल की जिसने ये फर्जी स्टिंग ऑपरेशन चलाया था और एक महिला की जिंदगी तबाह कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने वीरेंद्र अरोरा और लाइव इंडिया चैनल के रिपोर्टर प्रकाश सिंह को अरेस्ट कर लिया। जब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चैनल के रिपोर्टर की ही धड़पड़क कर ली तो चैनल के CEO सुधीर चौधरी ने भी अब इस मामले से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया कि ये तो रिपोर्टर की गलती थी, उसी ने फर्जी स्टिंग चलाया। लेकिन सच ये है कि खुद सुधीर चौधरी शुरू से ही इसकी TRP का आनंद ले रहे थे और खुद ही इस स्टिंग ऑपरेशन का बचाव कर रहे थे और इसे सच बता रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स की 7 सितंबर 2007 की एक खबर के अनुसार जब पुलिस ने इस बात का खुलासा कर दिया कि स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई लड़की ना तो किसी स्कूल की छात्रा है और ना ही वो देह व्यापार से जुड़ी हुई है, तो चैनल के CEO सुधीर चौधरी ने कहा इस तर्क से कि वो लड़की ना तो प्रोस्टिट्यूट है और ना स्कूली छात्रा है, इससे उमा खुराना का अपराध कम नहीं हो जाता। सुधीर चौधरी के ये शब्द इस स्टिंग ऑपरेशन के कई दिन बाद किए हैं, जब हिंदुस्तान टाइम्स को उन्होंने ये बयान दिया था। मतलब जब ये स्पष्ट होने लगा कि ये स्टिंग फर्जी है तब भी सुधीर चौधरी इस स्टिंग ऑपरेशन को सही बताते रहे और उल्टा उमा खुराना को ही दोषी बताते रहे। वे खुद ही वकील और खुद ही कोर्ट बन रहे थे तब, जब तक कि खुद पुलिस ने उनके रिपोर्टर को अरेस्ट नहीं कर लिया और ये साबित नहीं हो गया कि सुधीर चौधरी के चैनल ने एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन चलाया है। इससे पहले 4 सितंबर के दिन यानी स्टिंग ऑपरेशन के 5वें दिन, जब स्टिंग ऑपरेशन की साजिश में शामिल लड़की ही पुलिस की जांच में फंस चुकी थी, तब भी सुधीर चौधरी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बयान देते हुए कहा था कि ये पूरा मामला एक सरकारी स्कूल की टीचर जो स्कूली लड़कियों से देह व्यापार में ढकेलती है उसका है, इसका फोकस पीड़ित लड़की पर नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ भी सुधीर चौधरी उमा खुराना पर ही गंभीर आरोप लगाते रहे और साजिश में शामिल लड़की को बचाते रहे। अब कैसे मान लिया जाए कि सुधीर चौधरी तो इस पूरे मामले में अनजान थे और निर्दोष थे, जबकि वे इस पूरे मामले की परतें खुल जाने के बाद भी अपने चैनल की खबर को डिफेंड कर रहे थे, रिपोर्टर को डिफेंड कर रहे थे, लड़की को डिफेंड कर रहे थे। लेकिन जब मामला पूरी तरह खुल गया कि ये फेक स्टिंग ऑपरेशन था तो सुधीर चौधरी अपने बचाव के साधन खोजने लगे। सुधीर चौधरी के इस चैनल की घटिया हरकत की वजह से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 20 सितंबर 2007 से लेकर 20 अक्टूबर 2007 तक यानी पूरे एक महीने के लिए चैनल पर बैन लगा दिया। हालांकि एक साल बाद इस केस में समझौता कर लिया गया। ये समझौता क्यों और कैसे किया गया होगा ये हम अपने दर्शकों की समझ पर छोड़ते हैं। अक्टूबर 2008 में उमा खुराना ने कोर्ट में कह दिया कि वे केस वापस ले रही हैं और उन्होंने चैनल और सुधीर चौधरी से ये मामला सेटल कर लिया है। भले ही इस मामले में लास्ट में समझौता कर लिया गया, चाहे इसके पीछे जो भी कारण रहे हों, लेकिन सुधीर चौधरी के ही शब्दों में कहूँ तो भले ही उमा खुराना ने इस मामले को किन्हीं कारणों से वापस ले लिया हो, लेकिन इससे सुधीर चौधरी और उनके चैनल का अपराध कम नहीं हो जाता। TRP के लिए जिस तरह स्टिंग ऑपरेशन को TV पर चलाने में जो जल्दबाजी की गई उसके लिए तो कम से कम सुधीर चौधरी ही जिम्मेदार थे।
क्योंकि वे ही चैनल के संपादक थे और वे ही सीईओ थे, इसलिए बिना उनकी अनुमति के टीवी पर इतना सेंसिटिव स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया होगा, इसे माना ही नहीं जा सकता। कम से कम वे लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं जिन्होंने टीवी मीडिया के अंदर काम किया है। इस फेक स्टिंग ऑपरेशन के आते ही उमा खुराना की जान पर बनाई, और ऐसा भी नहीं है कि ये पहला बड़ा मामला हो जहां सुधीर चौधरी ने एक संवेदनशील मामले को सनसनी बनाकर पेश किया हो और हिंसा का पूरा माहौल तैयार कर दिया हो और उसमें योगदान दिया हो। जेएनयू के उमर खालिद और कन्हैया कुमार वाले बहुचर्चित मामले में भी सुधीर चौधरी पर डॉक्टर्ड वीडियो यानी एडिटेड वीडियो टीवी पर चलाने के आरोप लगे। जेएनयू पर जी न्यूज और सुधीर चौधरी की रिपोर्टिंग को सनसनीखेज बताकर इस बात को सिर्फ ऊपरी तौर पर खत्म करना नहीं चाहता, बल्कि आज न्यूज रूम के अंदर की कहानी बताएंगे ताकि आप जान सकें कि न्यूज रूम के अंदर कैसे वीडियो एडिट कर करके चलाया जाता है, जिससे आपके अंदर सामने वाले की छवि ऐसी बने कि आपके अंदर खून खौल जाए। जिस तरह गणित की निर्दोष टीचर उमा खुराना को भीड़ ने पीटा, ऐसे ही कन्हैया कुमार और उमर खालिद को भी सार्वजनिक तौर पर पीटा गया, और इसके लिए भी जी न्यूज और सुधीर चौधरी जिम्मेदार थे। आज जेएनयू मामले को लेकर सुधीर चौधरी और जी न्यूज के द्वारा की गई पत्रकारिता के बारे में बताएंगे। 9 फरवरी 2016 के दिन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र फांसी की सजा को लेकर विरोध जता रहे थे। आमतौर की तरह ही जेएनयू में कुछ छात्रों के द्वारा नारे लगाए जा रहे थे, जैसे भुखमरी से आज़ादी, तानाशाही से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी, केरल मांगे आज़ादी, सांप्रदायिकता से आज़ादी। इन्हीं नारों के बीच कुछ क्लिप्स काटकर जी न्यूज के द्वारा दिखाई गई। जी न्यूज ने दिखाया कि कैसे जेएनयू में कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाए गए और बाकी नारे छोड़ दिए गए, और कैसे पाकिस्तान के सपोर्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, ये जी न्यूज ने दिखाया। जी न्यूज और सुधीर चौधरी के शो के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया। देश भर में लोग जेएनयू को बंद कराने के लिए रैलियां निकालने लगे। आरएसएस ने भी दिल्ली में एक रैली निकाली, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और था, और ये सच भी कभी बाहर नहीं आता अगर जी न्यूज में प्रोड्यूसर का काम कर रहे एक पत्रकार की अंतरात्मा ना जागती। इस साहसी पत्रकार ने अपने चैनल जी न्यूज की बड़ी पोल खोलते हुए इस्तीफा दे दिया। इस पत्रकार का नाम था विश्वदीपक, जो जी न्यूज में आउटपुट प्रोड्यूसर का काम कर रहे थे। विश्वदीपक जी न्यूज पर 9 बजे आने वाले उस शो को बनाने वाली टीम का हिस्सा थे जिसे जेएनयू मामले की रात को चैनल पर दिखाया गया। जी न्यूज के द्वारा दिखाई गई फुटेज के आधार पर ही दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जेएनयू के छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर दी थी और कन्हैया कुमार को अरेस्ट कर लिया। इन वीडियोज में दिखाया गया कि जेएनयू के कुछ छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, लेकिन अपने इस्तीफे के साथ पत्रकार विश्वदीपक ने खुलासा किया कि जब शुरू में उनके यहाँ जी न्यूज के रिपोर्टर ने जेएनयू की वीडियो भेजी, उनमें पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था ही नहीं, और बाद में इसे ऐड किया गया। विश्वदीपक की माने तो वीडियो में उन्हें भारतीय कूट जिंदाबाद जैसे नारे सुनाई दे रहे थे, और ये इतनी अस्पष्ट थे कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन चैनल ने इसे पाकिस्तान जिंदाबाद जैसा सुनाने के लिए वीडियो में हिंदी में पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया, ताकि अचेतना में ही दर्शक उस नारे को पाकिस्तान जिंदाबाद की तरह लें। जी न्यूज को भेजे अपने इस्तीफे में विश्वदीपक ने चैनल के द्वारा की जा रही मोदी सरकार की चाटुकारिता के अलावा इस घटना का भी जिक्र किया। विश्वदीपक ने अपने इस्तीफे में लिखा कि कन्हैया समेत जेएनयू के कई छात्रों को हमने लोगों की नज़र में देशद्रोही बना दिया। अगर कल को इनमें से किसी की हत्या की जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने सिर्फ किसी की हत्या और कुछ परिवारों को बर्बाद करने की स्थिति पैदा नहीं की है, बल्कि दंगा फैलाने और गृह युद्ध की नौबत तैयार कर दी है। कौन सा देश प्रेम है ये? आखिर कौन सी पत्रकारिता है ये? क्या हम बीजेपी या आरएसएस के मुखपत्र हैं कि वो जो बोलेंगे वही कहेंगे? जिस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था ही नहीं, उसे हमने बार बार उन्माद फैलाने के लिए चलाया। अंधेरे में आ रही कुछ आवाज़ों को हमने ऐसे कैसे मान लिया कि ये कन्हैया या उनके साथियों की ही हैं? भारतीय कूट जिंदाबाद के नारों को पूर्वाग्रहों के चलते पाकिस्तान जिंदाबाद सुन लिया गया, और सरकार की लाइन पर काम करते हुए कुछ लोगों का करियर उनकी उम्मीदों और उनके परिवारों की तबाही की कगार पर पहुँचा दिया। अच्छा होता कि हम एजेंसीज की जांच करने देते और उनके नतीजों का इंतजार करते। विश्वदीपक ने आगे लिखा कि आखिर जेएनयू से या जेएनयू के छात्रों से हमारी क्या दुश्मनी है? मेरा मानना है कि आधुनिक जीवन मूल्यों, लोकतंत्र, विविधता और विरोधी विचारों के सह अस्तित्व का अगर कोई सबसे खूबसूरत बगीचा अगर इस देश में है तो वो जेएनयू है, लेकिन इसे गैरकानूनी और देशद्रोह का अड्डा बताया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जेएनयू गैरकानूनी है
या बीजेपी का वो विधायक जो कोर्ट में घुसकर लेफ्ट कार्यकर्ता को पीट रहा था। विधायक और उसके समर्थक सड़क पर गिरे हुए सीपीआई के कार्यकर्ता अमीक जमेई को बूटों के तले रौंद रहे थे, लेकिन पास में खड़ी पुलिस तमाशा देख रही थी और स्क्रीन पर पिटाई की तस्वीरें चल रही थी और हम लिख रहे थे कि ओपी शर्मा पर पिटाई का आरोप। मैंने पूछा कि आरोप क्यों, कहा गया कि ऊपर से कहा गया है। हमारा ऊपर इतना नीचे कैसे हो सकता है, मोदी तक तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अब ओपी शर्मा जैसे बीजेपी के नेताओं और एबीपी के कार्यकर्ताओं की भी स्टोरी लिखते समय अब हम बचाने लगे हैं। घिन आने लगी है मुझे अपने अस्तित्व से, अपनी पत्रकारिता से और अपनी व्यवस्था से। क्या मैंने इसलिए दूसरे सब कामों को छोड़कर पत्रकार बनने का फैसला किया था? शायद नहीं। ये कहते हुए विश्वदीपक ने जी न्यूज़ से इस्तीफा दे दिया। कारवा मैगजीन ने भी सुधीर चौधरी और जी न्यूज़ के द्वारा जेएनयू मामले में भाजपा और आरएसएस के झूठे नैरेटिव को चलाने को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट की। कारवा मैगजीन ने इस रिपोर्ट में लिखा कि 11 फरवरी के दिन सुधीर चौधरी के द्वारा किए जाने वाले शो डीएनए का लाइव टेलीकास्ट किया, जिसमें चतुरता से जेएनयू के छात्रों को देशद्रोहियों की तरह पेश किया गया। कहीं की फोटो कहीं लगा दी, कहीं की वीडियो कहीं लगा दी, जेएनयू को बदनाम किया गया। जब बाद में दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की तो दिल्ली पुलिस को भी ऐसे कोई सुराग नहीं मिले कि कोई कह सके कि जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। अमर उजाला की 27 फरवरी 2016 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस ने कमिश्नर बीएस बस्सी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में 9 फरवरी को मौजूद चश्मदीद गवाहों ने कहा है कि शहादत दिवस कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए थे। इसमें कमाल की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने सुधीर चौधरी और रोहित सरदाना के शो में चलाई गई फुटेज के आधार पर ही FIR की थी और जांच की थी, जिसके अनुसार जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सवाल यह है कि इतने सेंसिटिव मामले पर जी न्यूज अपनी वीडियो में जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखकर आपके मन में क्या भरना चाहता था? आखिर क्या ये पत्रकारिता का काम हो सकता है? अब जरा सोचिए, आखिर क्यों सुधीर चौधरी और जी न्यूज के एंकर रोहित सरदाना ने झूठी वीडियो अपने चैनल पर दिखाई? यहां तो पूरी जिम्मेदारी एंकर सुधीर चौधरी की थी। उमा खुराना की तरह बाद में कन्हैया कुमार और उमर खालिद पर हिंसक हमले हुए। आज भी देश का बड़ा हिस्सा इसी बात को याद रखे हुए हैं कि जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा है और कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे पढ़े लिखे नौजवान देशद्रोही हैं और पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, क्योंकि देश के एक बड़े हिस्से को ये मालूम ही नहीं कि टीवी न्यूज और रूम के अंदर क्या चल रहा होता है, कौन खबरों को दिशाएं दे रहा होता है। ये तो वो चर्चित केस हैं जिनमें सुधीर चौधरी की हकीकत सामने आ सकी, लेकिन ऐसे अनगिनत टीवी शोज उनके द्वारा किए गए जिनमें सुधीर चौधरी भाजपा की प्रवक्ता से भी ज़्यादा प्रवक्ता नजर आते हैं। पत्रकारिता के मूल्यों को कुचलकर आप भाजपा की चमचागिरी करें तब भी सहा जा सकता है, लेकिन झूठ फैलाना, नफरत फैलाना और हिंसा के लिए माहौल तैयार करने को कितना सही माना जाए और देश के लिए इसे कितना उचित माना जा सकता है? सिर्फ उमा खुराना और जेएनयू मामले में ही नहीं, बल्कि सुधीर चौधरी ने जनता और विपक्षी नेताओं के लिए भी झूठे नैरेटिव चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने जब देश में सरकार की बढ़ती तानाशाही पर 25 जून 2019 के दिन संसद में भाषण दिया तो महुआ मोइत्रा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय सुधीर चौधरी ने अपने डीएनए शो में महुआ की स्पीच को चोरी किया हुआ भाषण बताकर झूठ फैलाया। अपने कार्यक्रम में सुधीर चौधरी ने कहा कि महुआ का भाषण मार्टिन लॉन्गमैन के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लिखे गए लेख से चुराया हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि ये महुआ के अपने विचार नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसे कॉपी पेस्ट किया था। सुधीर चौधरी ने अपने इस कार्यक्रम में बाकायदा स्क्रीन पर पट्टी चलवाया कि महुआ मोइत्रा की बौद्धिक बेईमानी का विश्लेषण। लोग इस बात को सची मानते, वो तो उल्टा मार्टिन लॉन्गमैन ने खुद ही ट्विटर पर चौधरी के इस दावे को खारिज कर दिया। सुधीर चौधरी की फजीयत करते हुए मार्टिन लॉन्गमैन ने कहा कि पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी एक जैसे ही होते हैं। दरअसल सुधीर चौधरी टीवी पर शो करते हुए भूल जाते हैं कि वे पत्रकार हैं या भाजपा आरएसएस की एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस चक्कर में एक सार्वजनिक लिहाज भी वे नहीं रख पाते। जब फरवरी 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों के एग्जिट पोल सामने आए तो लगभग सभी चैनलों ने दिखाया कि भाजपा हार रही है और आम आदमी पार्टी जीत रही है, लेकिन सुधीर चौधरी इस बात से इतना हर्ट हुए कि भाजपा नेता की तरह दिल्ली की जनता को ही आलसी, स्वार्थी और धूर्त बताने पर आ गए। 8 फरवरी 2020 के दिन किए अपने शो में सुधीर चौधरी ने कहा, दिल्ली वाले सिर्फ अपने में ही मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या न टूटे, कुछ भी
होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलता रहे। दिल्ली की जनता अपने जीवन के संघर्ष में बिजी है, उसे देश का कोई मतलब नहीं। बीजेपी के एजेंडा पर दिल्ली वालों द्वारा वोट न देने के कारण सुधीर चौधरी ने कहा, धारा 370 राम मंदिर कश्मीर, इस तरह की बातें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, इस तरह के मुद्दे कोई मायने नहीं रखते। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट स्ट्राइक से कोई लेना देना है और ना राम मंदिर से कोई मतलब है और ना कश्मीर की धारा 370 से कोई लेना देना है, ना उसे देश के टूट जाने से कोई लेना देना है। सुधीर चौधरी ने मुफ्त बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर वोट देने के लिए दिल्ली की जनता को लालची तक ठहराया। मानते हैं आपको सरकार से लाभ लेने हैं, आप पर सरकार का दबाव है, लेकिन क्या इसे पत्रकारिता माना जा सकता है? ये कैसे पत्रकार हैं कि रोटी और कपड़ा, बिजली, पानी, शिक्षा पर वोट डालने पर जनता को ही सुना रहे हैं और मंदिर, मस्जिद और युद्ध पर वोट डलवाना चाहते हैं? सुधीर चौधरी का इतिहास टीआरपी के लिए फर्जिंग स्टिंग करने और एक महिला की जिंदगी बर्बाद करने, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ हिंसक माहौल तैयार करने और विपक्षी नेताओं को टारगेट करने भर का नहीं है, बल्कि उद्योगपतियों से खबर न दिखाने के बदले करोड़ों रुपए की उगाही करने का भी है। नवीन जिंदल और सुधीर चौधरी के केस के बारे में आप गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। कैसे उद्योगपति नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए की घूसखोरी मांगने वाले मामले में सुधीर चौधरी को 14 दिन तिहाड़ जेल में बिताने पड़े। यही कारण है कि कुछ लोग सुधीर चौधरी को तिहाड़ी चौधरी या तिहाड़ी पत्रकार भी कहते हैं। अब आप तय करिए कि किन पत्रकारों को आप सालों से सुन रहे हैं और उनके इतिहास और वर्तमान क्या हैं। क्या इनमें थोड़ी सी भी सार्वजनिक लिहाज बची है? क्या इनमें थोड़ी सी भी मोरल वैल्यूज बची हैं? तय आपको करना है। बहरहाल ये कहानी थी सुधीर चौधरी की, ये कहानी थी स्कूल टीचर उमा खुराना की, ये कहानी थी जेएनयू में लगे नारों के पीछे की नैरेटिव की। आप अर्णव गोस्वामी पर बनाई मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें आप जान पाएंगे कि रिपब्लिक भारत में किसका पैसा लगा है और किस प्रकार से उसमें कुछ खबरें एक एजेंडे के तहत चलाई गई और जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया उन्हें सरकार से सरकारी ठेके मिले और बाद में केंद्रीय मंत्री तक बने। ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।